माँ बेटा दोनों आउट ऑफ कंट्रोल है। यू वेर हैंडसम कि भाई हस्बैंड ने वेट करनी करनी है, वेट करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमारी दिन की शुरुआत हो गई है मसाला चाय से एंड ऑफ कोर्स छोले पूरी से, ऑमलेट से। आज हमारा एडवेंचरस डे नहीं है, कुछ एक्टिविटी प्लान नहीं करी हमने। वी आर जस्ट गोइंग टू चिल, वी गो टू द बीच, डू सम शॉपिंग। आज शॉपिंग मेरा मन नहीं है, तुम्हारा मन है? थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे एंड मेनली आउनांग के आसपास ही रहेंगे बिकॉज आज हमारा लास्ट नाइट होगा कराबी में। कल वी आर गोइंग टू फुकेट, सो आज वी डोंट वॉन्ट टू यू नो डू टू मच, जस्ट चिल, रिलैक्स एंड एन्जॉय। और यहाँ मेरी बीवी मुझे मक्खन लगा रही है, क्यों लगा रहे हो? एंड बाय द वे यहाँ की जो मसाला चाय है ना, बहुत ही बेहतरीन है। सो गाइज, हम निकल गए अपने होटल से आउनांग का जो यू नो कमर्शियल बेल्ट है एंड जो बीच है उसे एक्सप्लोर करने के लिए एंड वी आर ऑल सेट फॉर द डे। मॉर्निंग में वी गॉट अप लेट, रात में सोते सोते काफ़ी लेट हो गया एंड फिर आराम से ब्रेकफास्ट किया, गुड ब्रेकफास्ट, एक दो बियर पी के अब हम निकले हैं टू एक्सप्लोर द सिटी विद माय लवली फैमिली। हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्स अप, हाउ इज इट गोइंग? वेरी वेल, सो फार सो गुड। ये लड़का एकदम हॉलिडे मूड में, गुड, वी लेफ्ट लेट, मौसम अच्छा हो गया, धूप एकदम जा चुकी है। इवन तो मैंने सनस्क्रीन आज अच्छे से लगाई थी, कल मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन के मामले में पीछे रह गया था, पीटी से लॉल हो गया। हाँ, धूप ही नहीं है आज, धूप ही नहीं है। क्या प्लान है? थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं और फिर हम विल हेड टुवर्ड्स द बीच। यस, आज हमारा प्लान है कि हम सनसेट बीच पे ही यू नो स्पेंड करेंगे सनसेट वाला टाइम, तो तब तक हम शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी सी लोकल स्टफ। हमारा एक रूटीन है, जहाँ भी जाते हैं एक सुविनेर जरूर लेते हैं वहाँ का लोकल, तो वो भी देखेंगे अच्छा सा कुछ। प्रीति और मेरा तो पासपोर्ट कवर है, यू नो वो नेम वाले जो चलते हैं ना आजकल, रुद्र का नहीं है, तो रुद्र का भी एक कस्टमाइज्ड पासपोर्ट कवर लेंगे बिकॉज भाई साहब ट्रैवलर हैं, ट्रैवल करते रहेंगे। यस रुद्र, यस रुद्र, आपके बैग में क्या क्या रखा है आपने? बीच टॉयज, बीच टॉयज। आल्सो वन क्विक टिप, सो आप जो भी ड्रेस पहने रहे हो उसके अंदर वेयर योर नाइट, सॉरी नाइट नॉट नाइट सूट, स्विम सूट, जो मैंने अपनी बीवी से सीखे हैं, बीच में आपको देते रहेंगे, आपको दिखाते हैं आउनांग बीच। Okay, blue. You can choose one logo. We are getting a new passport cover for Rudra and the prices are 100 baht for one cover with one name and one logo. And Rudra chose this plane for himself. रुद्र ने खुद चूज किया एंड ऑफ कोर्स उसका फेवरेट कलर है ही ब्लू। सो द स्नेक, रुद्र, लिजर्ड फॉर यू। Looking for a bag, तो मैं बस वेट कर रहा हूँ एंड रुद्र भी वेट कर रहा है एंड अब भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो वंस वी बाय समथिंग, कुछ यू नो तीन चार चीज़ें ले लें और मेरी बीवी को तसल्ली मिल जाए, उसके बाद विल गो फॉर द लंच। इतना मुश्किल क्यों बनाया भगवान ने ना हमारे लिए कि बीवियाँ शॉपिंग करती रहें और हम वेट करते रहें, बट ये एक दुनिया का उसूल है कि भाई हस्बैंड ने वेट करनी करनी है
चाहे जितना भी टाइम लगे, जितने भी घंटे लग जाएं, हमें वेट करनी है, ठीक है? भूखे प्यासे जैसे भी वेट करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। मेरी बीवी को इतना शौक है ना बैग्स का, लेके ही मानिए मैडम। दिखाना भाई क्या ये, पता नहीं क्या ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं समझ आई, बट एज पर हर ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो होगा आई एम श्योर। आई वाज थिंकिंग कि पति का ये कर्तव्य होता है ना कि बीवी का वेट करे, बीवी शॉपिंग करे और पति सिर्फ वेट करे। थैंक्स फॉर द बैग दो, दिस इज फॉर फॉरगेट नाउ। यू वेर हैंडसम, वेरी नॉटी एज़ वेल। So now we are at the Ao Nang beach. Rudra, are you ready? For the beach? No, don't run. wait. ये लड़का इतना excited है beach के लिए. Rudra, not like that. Easy, okay? What he's trying to do? ये वहाँ जाएगा, वहाँ से एकदम run मारेगा पानी तक. आज ना actually यार बहुत ज़्यादा strong waves लग रही हैं, काफ़ी ज़्यादा high tide है, तो थोड़ा सा हमें यू नो डर भी है, बट विल टेक केयर ऑफ हिम। What's that? We found this. What do you call it? Shell. Seashell. Seashell. Rudra, nice job. Ao Nang beach is really nice. Hamara first time hai yahan pe and we thought ki yahan pe ek sham to nikalni hai because it's really near to the commercial center, but look at this beach. Really clean and very pretty. आप देख रहे हो इस लड़के की हरकतें एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है। मैं बेटे को बोल रहा हूँ, दोनों माँ बेटा दोनों आउट ऑफ कंट्रोल है। ओ जल परी भाई, सही बता रहा हूँ, इतना आउट ऑफ कंट्रोल ये वेव्स है और उतना ही आउट ऑफ कंट्रोल मेरा बच्चा है। भाई मेरा बच्चा तो बच्चा है, बट मेरी बीवी भी ना कम नहीं है, पानी में घुस के मानी है और कहाँ कहाँ तक। अब इसको संभालूं या उसको संभालूं मुझे नहीं समझ आता भाई। ये क्या बनाया, ये क्या हाउस बनाया आपने? पापा हेल्प करें, ये लो। सुविनर्स फ्रॉम द ओशन। भाई साहब खतरनाक हवा है एंड मौसम बहुत प्यारा है भाई, बहुत प्यारा। टाइम टू रैप अप। बेवॉच, इंडियन बेवॉच। We thought a quiet सी evening spend करेंगे beach पे, but it started raining. कराबी का मौसम ऐसे ही है, 2 मिनट बारिश, 2 मिनट धूप and 2 मिनट फिर वापस क्लियर। बारिश थोड़ी सी कम हो जाए फिर we'll go back to the hotel. अभी अच्छी खासी बारिश start हो गई guys. अ
अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है, हल्का हल्का ड्रिजल अभी भी हो रहा है, बट क्राबी में आके ना सारे मौसम देख लिए, धूप तो बहुत ज़्यादा धूप, बारिश तो अच्छी खासी बारिश, एंड अदरवाइज प्लेजेंट मौसम होता है तो भाई बात ही अलग है। ओम गणेशाय नमः। हिंदुइज्म, हिंदू रिलीजन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, प्राउड टू बी अ हिंदू एंड प्राउड टू बी एन इंडियन। ओ देख 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 देख, ओ नो, तो क्या करता है यार। सो वी जस्ट गॉट बैक टू द रूम, बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही थी एंड रूम में आके बीवी ने बनाई है प्यारी सी कॉफी, थैंक यू बीवी, एंड कॉफी पी के थोड़ी देर रिलैक्स करके वी विल गो बैक अगेन, कुछ और यू नो खाने पीने जाएंगे एंड कुछ शॉपिंग हमारी बची हुई है, सो यस अभी कॉफी एंजॉय करते हैं।